अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं इस टाइम आई हुई हूँ पैनी पे। ये जो इस हफ़्ते हमें पैनी की जो वेरबुंग आई थी, यानी जो एडवर्टीज़मेंट हमारे घर में आई थी, तो उसमें ये जो स्मूदी मेकर है वो आना था और इस प्राइस पे ये इतना अच्छा मुझे लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जॉब पे जाने से पहले इसे ले लूँ, क्योंकि ये जो वेरबुंग की चीज़ें होती हैं वो ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 पीसीज होते हैं। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं पिछले टाइम आती, यानी जॉब से फारग होकर और खाना शाना बच्चों को दे दिला के दोपहर को आती, तो ये भी हो सकता था कि मुझे एक भी पीस ना मिलता और ये सारे के सारे फ़ौरन बिक जाए। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि दो दो तीन तीन दिन बल्कि हफ्तों हफ्तों चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन डिमांड पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि मैंने अमेज़ोन पर देखा था ये वाला स्मूदी मेकर जिस प्राइस पर ये पैनी ने लगाया था उससे कह लें कि 2-2.5 गुना ज़्यादा प्राइस पे अमेज़ोन पे है। तो इस टाइम ये अब दोपहर का टाइम है, मैं जॉब से वापस आ गई हूँ और मैं अब करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। और आज मैं बनाने लगी हूँ ये छिलकों वाली माश की दाल और चने की दाल, इनको मिक्स करके मैं बनाऊंगी और साथ उबले हुए चावल। ये भी मेरी बहुत फेवरेट है, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, बच्चे भी और उनके पापा भी खा लेते हैं। ये दाल मुझे अपनी नानी अम्मी के हाथ की बहुत पसंद थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत अल-फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। वो फौत हो गई हैं। जब हम गाँव जाना होता था, हम लोग गाँव जाते थे कभी शादी पर ही किसी के जाना आना होता था, तो ये नानी मेरी जो है वो इसे कच्ची मिट्टी की हांडी में वो पकाती, सारा सालन जो सारे सालन थे वो मिट्टी की हांडी थी, तो ये बहुत मज़ेदार वो बनाती थी। जितना जायका या जितनी टेस्टी उनके हाथ की ये दाल थी, मैंने आज तक ना मेरी अम्मी से भी वैसी नहीं बनती थी। अब अगर मैं सोचूं तो मुझे यूँ लगता है कि नानी भी चूँकि गांव में रहती थी और उनकी अपनी ये दालें चावल और हर चीज़ घर की होती थी, तो ताज़ी दाल यानी उस सीज़न की दाल जो फ्रेश दाल थी वही वो पकाती थी। हमें तो फैसलाबाद में पता नहीं कितने सालों पुरानी शहरों में ये दालें वगैरह बिकती हैं। तो चलें फिर आ जाएं अनबॉक्सिंग की तरफ। ये अब मैं ये जो स्मूदी मेकर आज सुबह मैंने ख़रीदा था, अब उसकी अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। तो इसके अंदर तो माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके जो वोल्टेज है वो 1200 है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक 300 ml का शेकर है, एक 500 ml का, 700 ml का शेकर भी है, और इसके अंदर जो वो क्रॉस ब्लेड है वो है एक, और दूसरा एक फ्लैट ब्लेड की अटैचमेंट है इसके साथ। जो फ्लैट ब्लेड है उसके साथ चीज़ें रगड़ी यानी जैसे मिर्च मसाले वगैरह या कॉफ़ी वगैरह ग्राइंड कर सकते हैं, और जो दूसरा जो क्रॉस ब्लेड है उसके साथ चीज़ें पूरी वगैरह बना सकते हैं, फलों की या सब्जियों की उन्हें ग्राइंड करने के लिए यूज़ होगा। और इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर ढक्कन थे एक्स्ट्रा, और टू गो लिड इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है साथ ले जाने के लिए, अगर फ़र्ज़ करें रास्ते में, तो वो भी लिड इसके साथ है। और जो इसकी जो बुक है वो 4 ज़बानों में है, इंग्लिश, फ्रांसोजिश, हॉलैंडिश और जर्मन में। तो मैं तो बहुत खुश और मुतमईन हूँ, ये मैंने आज मुझे इतनी एक्स्ट्रा खुशी सी हो रही है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था कि मैं जॉब पे जाने से पहले इसे ले लिया था। और अब मैंने इसको धो लिया है और असद इसको खुश कर रहा है। और ये देखें दाल मेरी जो है वो प्रेशर मैंने खोल दी है, पकने के करीब है, और बघार मैंने लगाया था लहसुन और अदरक के साथ। बारीक बारीक मैंने अदरक काट लिया था और लहसुन इसको जब हल्का सा ब्राउन हो गया तो फिर मैंने वो दाल के अंदर डाल दिया, और बाद में हरा धनिया और अगर हरी मिर्चें हों तो वो ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। और ये हमारा खाना रेडी है, चावल भी मैंने साथ साथ ही बॉयल कर लिए थे, और सैलड असद के पास टाइम था तो उसने मेरी हेल्प की है, तो ये कचूमर सलाद उसने बना लिया है। और ये जो पीछे क्लिप में भी आपको नज़र आया होगा, ये इस टाइम मेज़ पर भी नज़र आ रहा है, ये बाइट्स है, ये इधर ये चीज़ है, ये मेरी हमसाई ने बनाया है। मैं लास्ट वीक किसके साथ गई हुई थी, इधर हमारे घर के पास ही एक डेरा है जहाँ भैंसे वगैरह, क्या भैंसों का बाड़ा कहेंगे वो है, और उधर से आप चाहें तो फ्रेश दूध ले सकते हैं, तो वो थोड़ी सस्ती प्राइस पे मिलता है। ये लेके आई थी मेरे साथ, हम दोनों गए थे, 20 किलो ये लेके आई थी, तो उसने ये काफ़ी सारा इसका ये पनीर बनाया, पनीर कह लें या चीज़ कह लें, इसने ये बनाया है, तो ये दे के गई है मेरी हमसाई, बहुत मज़ेदार इसने बनाया था। तो मैं और अरहम इस टाइम आ गए हैं आल्डी पे,
मैं वैसे ज़्यादातर लिडल पे जाती हूँ ख़रीदारी करने, बहुत कम हो कि मैं आल्डी पे आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, उन्हें इधर से कुछ लेना था, सॉरी आल्डी टॉक लेते हैं बच्चे, सॉरी बच्चे मेरे जो हैं वो जो टेलीफोन कार्ड है वो आल्डी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लेने के लिए आए थे। किन्जा को ज़रूरत थी तो उसने पापा से कहा था कि अगर आप बाज़ार की तरफ गए तो मेरे लिए लेते आइएगा, तो वो ये लेने आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ज़री आल्डी का चक्कर लगाना, वो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रिड्यूस करके यानी प्राइस कम करके लगाई नहीं हुई हैं, तो हो सकता है तुझे कोई अच्छी बेडशीट वगैरह, क्योंकि मैं इन दिनों ढूंढ रही हूँ बेडशीटें और बेड कवर मुझे चाहिए, जो सॉरी मैट्रेस के जो कवर हैं वो चाहिए होते हैं, बेड लाकर उन्हें कहते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा है कि तू ज़रूर इन दिनों अगर बाज़ार का शहर का चक्कर लगाना तो आल्डी पे ज़रूर चक्कर लगाना, वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्राइस कम की हुई है, तो वो देखने के लिए हम आए थे। और इसके अलावा ये जो योगर्ट आपको वो सामने नीचे नज़र आ रहा होगा, ये किन्जा ने कहीं खाया है, अपनी किसी सहेली के घर गई थी फ्रेंड की तरफ, तो उसने उधर खाया, तो वो कह रही थी कि मम्मा आल्डी से वो फलां जो योगर्ट है ना वो आपने ज़रूर लेके आना, वो बहुत मज़े का है। तो ये खाने पीने की बहुत चोर है किन्जा हमारी, तो अगर वो कोई इस तरह की डिमांड करें तो फिर हम लोग, मैं हूँ या इसके पापा, तो हम तो ला कर फिर फ्रिज भर देते हैं। और फिर ये वैसे किन्जा अगले दिन कह रही थी कि आप लोग ये गलत करते हैं, आप वो चीज़ ज़्यादा ले आते हैं, फिर मेरा दिल ही नहीं करता खाने को। तो इधर आल्डी की कुछ चीज़ें जो जूसेस वगैरह हैं, एक टाइम था आज से 4-5 साल पहले मैंने योगर्ट और जूस और पानी वगैरह मैं आल्डी का ही लेके जाती होती थी, बच्चों को इसका जायका ज़्यादा पसंद था। अब काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे, मैं ज़्यादातर लीडल पे ही जाती हूँ, मुझसे जैसे कह लें कि मुझे लीडल की अब आदत ही हो गई है, मुझे मैं आंखें बंद करके भी अगर घूमूँ तो मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो वो फटाफट उठाई रखी और कासे पे के पिसाल किया और घर आ गए। तो आल्डी ने ये पिछले कहने 5-6 साल पहले ये से लेके अब तक इन्होंने काफ़ी चीज़ों की चेंजिंग वगैरह कर दी है, चीज़ें उल्ट पुलट करके रखती हुई हैं, तो मैं अब फिर ज़्यादातर इधर नहीं जाती, मुझे वो लिडल की आदत पड़ी हुई है। लेकिन वाकई जो इधर का चीज़ है, ये जो मैंने अभी लिया है, ये क्रश किया हुआ चीज़ जो पिज़्ज़े वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, इसका जायका और लिडल के जायका का बहुत फ़र्क है। तो जो चीज़ें हमने लेनी थी वो ले ली हैं और अब हम लोग कासे पे आ गए हैं। ये ईज़ो भी जब कभी हम आल्डी पे आए तो ये अरहम लेता है स्कूल लेके जाने के लिए, तो इसने ये भी ले लिया है। और ये वाला वो योगर्ट है, ये जो छोटी छोटी सी आपको डिब्बियाँ नज़र आ रही हैं, ये किन्जा की फरमाइश पे हमने, मैंने अब काफ़ी सारा उठा लिया, अब देखें ये कब ख़त्म होगा, लेकिन इसकी डेट मार्च तक थी तो इसलिए मैंने बेफिक्री से उठा लिया था कि तब तक अभी महीना डेढ़ है तो खाया ही जाएगा। तो ये देखें इस टाइम हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर चीज़ें रख रहे हैं। आल्डी से फारग होके मैं और हम आप लोग अब हम लोग लिडल पे आ गए हैं और कुछ चीज़ें अब हम लोगों ने यहाँ से ले ली हैं। इधर लिडल पे आज जो पाप्रिका थी 3 कलर वाली, यानी ये जो पैकिंग ऐसे मिलती है, ये 9.96 सेंट की लगी हुई थी, तो वो मैंने 3-4 पैकेट उठा लिए हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया होगा कि मैं ये जब भी ऑफर में हो तो मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, और इसे मैं बारीक बारीक काट के रख लूँगी और बाद में पिज़्ज़े पे ये काम आएगी। और अब देखें हम लोगों ने ख़रीदारी कर ली है, मैंने और हमने, और ये सौदा लेके अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। और अब बाहर हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है, जब मैं सुबह घर से निकली थी जब हम लोग निकले थे तो तब भी आसार थे कि बाद में बारिश आएगी। तो ये आल्डी की जो चीज़ें ली हुई थी वो भी ये देखें ये पड़ी हुई हैं, और बाद में हम लोग अब लिडल की चीज़ें रख लेंगे और फिर बाद में हम लोगों ने अब घर जाना है। इसके अलावा हमें बाज़ार में अब कोई काम नहीं है, मैंने ट्रक की मार्केट पर भी नहीं जाना और शहर में और भी कोई काम नहीं है। तो हम लोग वैसे जल्दी फारग हो गए थे, हमें तकरीबन घर से निकले हुए 1.5 घंटा ही हुआ है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आज हम लोग बड़ी जल्दी फारग हो गए थे। और देखें आसमान कितना ग्रे से बादल छाए हुए हैं, और ये हम लोग अब घर आ गए हैं। और मैंने आज चूँकि दोपहर में दाल चावल बनाए थे तो वो तो दोपहर ही ख़त्म हो गए थे, मैंने पूरी सी दाल बनाई थी, मुझे यूँ लगता था कि ये ना हो पड़ी रहे, तो अब बच्चों को लग गई थी फिर से भूख। और ख़ास तौर पे ये जब सैफ आ जाए तो इसका दिल होता है इस तरह की चस्के वाली कोई चीज़ खाने को, तो फिर इन लोगों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे। पिज़्ज़ा हम लोग लेते हैं वो भी हमारे बड़े ही पुराने जानने वाले मेरे हस्बैंड के दोस्त ही हैं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, तो उनसे हम लोग ये लेके आते हैं। और इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, ये डोनर फ्लाइश और सब्जियां वगैरह डाल के और पेपरोनी जो सिरके वाली है वो डाल के हम लोग इनसे बनवाते हैं। और मुझे पिज़्ज़ा जो है वो अचार के साथ बहुत मज़े का लगता है, और साथ में ये जो गार्लिक सॉस है ये हो और अचार।
तो फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप लोगों को पसंद आती हैं, तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली में फ्रेंड्स में, और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।